ग्वालियर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिकता संशोधन विधेयक यानी SCAA के बारे में उन्होंने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि सभी लोगों को उनका हक एवं पहचान मिले ताकि लोग इज्जत के साथ देश में जीवन यापन कर सके। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा CAA के विधेयक को लाया गया है। उन्होंने कहा कि वे चाहे गुना से चुनाव लड़े या ग्वालियर से चुनाव लड़े, वह पूरे प्रदेश को ही अपना परिवार मानते हैं। गुरुवार रात ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि परिवार ने हमेशा प्रगति और विकास के लिए काम किया है। प्राकृतिक आपदा जैसी बाढ़, अकाल और कोरोना के समय भी सिंधिया परिवार प्रदेश की जनता के साथ रहा है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार का मुख्य ध्येय जन सेवा का रहा। उन्होंने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे गुना से चुनाव लड़े या ग्वालियर से चुनाव लड़े। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय माधव सिंधिया का हवाला दिया। सिंधिया ने कहा कि उनके पिता ग्वालियर और गुना से कई बार सांसद रहे, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में उनकी सक्रियता और विकासशील सोच हमेशा साथ रही। उन्होंने ग्वालियर के नवनिर्मित राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट के लोकार्पण को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का यह सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और उसकी भव्यता भी देखने की बनती है। आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है, मेरा प्रवास भी है, निरंतर प्रवास रहता है मेरा। आप सब लोगों को नवीन एयरपोर्ट के लिए भी बहुत बहुत बधाई। मुझे यकीन है आप लोगों ने जाके देखा भी होगा, अच्छा भी लगा होगा, और ये बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्वालियर की जनता को दी गई है। इसी के साथ ग्वालियर अब विश्व के साथ जुड़ेगा, राष्ट्र के साथ जुड़ेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। और अब मेरा प्रवास इतने दिन का, जिस तरीके से आज भीड़ दिखी है आपके स्वागत के लिए, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जनता मांग कर रही है ये ग्वालियर छोड़ के आपने? देखिए, मैं कभी किसी क्षेत्र को छोड़ता नहीं हूँ। आप मेरे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, चाहे मैं मेरे पूज्य पिताजी ग्वालियर के सांसद रहे या गुना के सांसद, मेरी दादी गुना के सांसद रहे, चाहे मैं गुना का सांसद रहा, संपूर्ण चंबल संभाग केवल नहीं लेकिन संपूर्ण प्रदेश में जितना हम योगदान दे सकते हैं हम देने की कोशिश करते हैं। 3 साल में निरंतर मेहनत समूचे क्षेत्र में आपने देखी, केवल विकास के कार्य और प्रगति के कार्य में नहीं, चाहे वो भिंड हो, मुरैना हो, ग्वालियर हो, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी हो, लेकिन कोरोना काल में, बाढ़ के समय में, ओलावृष्टि के समय में, अभी जनसेवा ही हमारा प्रण है, जनसेवा ही हमारा संकल्प है और जनसेवा ही हमारा धर्म। कांग्रेस पार्टी अभी भी नहीं खोज पा रही है आपके आपके खिलाफ प्रत्याशी को लेकर, अभी भी नहीं खोज पा रही है। हर एक भारतीय नागरिक को अपना पूर्ण प्राथमिकता मिले, हर एक भारत के नागरिक को अपनी पूर्ण नागरिकता का प्रमाण मिले, यही सोच और विचारधारा कि 140 करोड़ लोगों को अपनी पहचान, इसी सोच और विचारधारा के साथ ये कानून प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के द्वारा लाई गई। सर, एक तो कांग्रेस ने यही ना कहा है कि मुस्लिमों की अब मैं किसी कांग्रेस ने किसने कहा है, मैं अपना पद और अपना लकीर खींचता हूँ सर, और आप लोग जानते हो कांग्रेस ने गुना सीट को बढ़ रखा है, वो प्रत्याशी। अरे भाई, वो हर पार्टी की नीति तय होती है, रणनीति तय होती है। कांग्रेस जो भी प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सभी का दायित्व है, सभी का हक है प्रजातंत्र में लड़ाई में उतरने का। दिग्विजय सिंह साहब, मैं कोई द्वेष भावना अपने दिल में नहीं रखता। आप चाहते हैं दिग्विजय सिंह सामने आ जाए।